इस वीडियो दे विच अज असी 10वीं जमात दे मैथ दा सैकंड अध्याय करांगे। यह जिहड़ा दूसरा अध्याय है इसकी एक्सरसाइज 2.3 करांगे। इस तो पहले 2.2 करवाई सी, वह वीडियो उम्मीद है कि सब ने देख ली होगी, एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली होगी। यह एक्सरसाइज के सवाल स्टार्ट करन तो पहले असी थोड़ा जिहा हर रोज़ की तरह थोड़ा जिहा पहला बेसिक रूल समझांगे, ताकि तुसी जब असी सॉल्वेशन कर रहे होवांगे उदों तुहानू इह बेसिक्स दीआं प्रॉब्लम ना आउण। हाँ जी, सब तो पहले तो देखो, जिवें असी मन के चलो 4 नूं असी 2 ते वंडदे सी, ठीक है जी, इह वंडना हो गया डिवाइड हो गई, तां इत्थे साडे कोल 2 आंसर आंदा सी। तां उस तरह हुण की हो गया कि कुछ विच अचल पद दे नाल कुछ अचल पद ऐड हो गए, भाव 4 दे नाल हुण 4 एक्स भी आएगा, ठीक है जी। तो इन जब असी 2 ते वंडांगे तो एक्स सेम रह गया, इहदा किन्ना आ गया 2x आ गया, डिवाइड करके किन्ना आ गया 2x आ गया। तो एक गल होर याद रखो, जेकर इस तरह हो एक्स स्केयर प्लस 4x प्लस एक्स अलग तो पे है, एक मन के चलो 3x स्केयर पे है, तो हुण मन के चलो ये सब टर्मां नूं असीं ने ऐड करना है। तो इत्थे असीं की चीज़ का ध्यान रखा कि कल्ले एक्स वाले नूं कल्ले एक्स वाले दे विच ऐड करो, एक्स स्केयर वाले नूं एक्स स्केयर दे विच ऐड करो। नाल मान के चलो इहदे नाल एक होर कुछ लिखा हुआ इस तरह 4xy, इत्थे लिखा हुआ नाल 5xy। तो हुण xy वाले नूं xy दे नाल ऐड करांगे, एक्स स्केयर वाले नूं एक्स स्केयर दे नाल ऐड करांगे, एक्स वाले नूं एक्स दे नाल ऐड करांगे, माइनस करांगे, डिवाइड करांगे, कुछ भी करना तां उहनूं समझाती दे नाल ही करना हुंदा सी नी। तो हुण इत्थे ऐड करके देखो, एक बार इत्थे पे एक्स स्केयर, तो एक बार इत्थे 3 बार पे है, इत्थे एक बार पे, इत्थे 3 बार, इहदा भाव इहनूं ऐड करके किन्ना आ गया 4x स्केयर आ गया। इस तरह एक्स है अते कल्ला एक्स है तो 4x है, तो इहदा जोड़ करके किन्ना आ गया 5x आ गया, ठीक है जी। इत्थे किन्ना सी 4xy सी, इत्थे किन्ना सी 5xy सी, इहनूं ऐड करके किन्ना आ गया 9xy आ गया। तो यह तो तुहानूं सिंपल रूल दस्सिया डिवाइड करन लई, मल्टीप्लाई करन लई, भी सुन लो एक बार मल्टीप्लाई का भी सुन लो। मन के चलो एक्स स्केयर है, 4x स्केयर है, इहनूं असीं ने मल्टीप्लाई करना है एक्स दे नाल, तां हुण इत्थे 4 तां सेम ही रहेगा, ठीक है जी। मल्टीप्लाई की दी होएगी एक्स दी एक्स दे नाल, तां किन्नी बन जाएगी एक्स दी घात 2 बन जाएगी। तो यह असीं ने ऐड दे लई माइनस दे लई यह सब रूल समझे ने, तो इन्हां नूं तुसीं ध्यान दे विच जरूर रखियो जद असीं सॉल्वेशन करांगे। यह जो एक्सरसाइज है इहदे विच सानूं वंड एलगोरिदम यानी कि लंबी भाग विधि वरतन दे लई की है, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਾ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ 9th ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ 9th ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਲ ਕੱਢਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੇਕਰ ਬਰਾਬਰ 0 ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲੰਮੀ ਭਾਗ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਹੈ ਲੰਮੀ ਭਾਗ ਵਿਧੀ, ਉਹ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਧਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ 4+3 ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 2 'ਤੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 4 ਹੈ ਇੱਥੇ 2 ਹੈ, ਭਾਵ ਇੱਥੇ 4 ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 4 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤੀ 2 ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 4 ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ 4 ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਘਟਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜੋੜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਘਟਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਚੱਲ ਅਚੱਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਏ ਹੋਣ ਜਦੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ 2x, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ ਐਕਸ ਕਿਊਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਐਕਸ ਦੀ ਘਾਤ 2 ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸ ਦੀ ਘਾਤ 3 ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ? ਐਕਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਫ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਖੋ, ਐਕਸ ਕਿਊਬ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਐਕਸ ਬਚ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਐਕਸ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਐਕਸ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਐਕਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਣਾ ਕਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਐਕਸ ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ 2x,
ठीक है जी। उस तो बाद लाइन लगा के असीं साइन चेंज कर लैने, जिवें तुहानूं दस्सिया ना फिर साइन ही चेंज कर ले। मान लो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब जीरो बन गया, फाइव एक्स माइनस टू एक्स, ठीक है जी, माइनस तो माइनस प्लस हो गई, या तो ये कह लो, या फिर असं डायरैक्ट की कह सकते भी इसका साइन चेंज हो गया, ठीक है। ये तरीका होंगे, देखो इतने भी ये चीज़ बनेगी ना, फाइव एक्स माइनस तो माइनस प्लस हो गई, या फिर असं की कह दें भी साइन चेंज हो गया। तो यह सेम तरीका होंगे, इनू किमें मर्जी समझ लो, ठीक है जी। तो इतने कि बन गया सैवन एक्स बन जाएगा, साढ़े को बनेगा सैवन एक्स, जिमें तो इतने दस रहे हैं, ठीक है जी। ये रफ वर्क बहुत ज़्यादा करना पैंता इन्होंने सवालों के, प्लीज़ नाल तुसीं कॉलम बना के रफ वर्क भी जरूर करया करो। उस तो बाद बाकी सब टर्मा जिहड़ियां बच गईयां उपर उन्होंने नीचे लै आओ, ठीक है जी, इहदे नाल ही लिख लैने असीं। उस तो बाद असीं की करांगे, ए चीज़ नूं ए बनाउण दी कोशिश करांगे, भाव एक्स स्क्वायर नूं हुण असीं की बनाउण दी कोशिश करना, थ्री एक्स स्क्वायर बनाउण दी कोशिश करना है। तो थ्री एक्स स्क्वायर नूं डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर तो एक्स नाल एक्स कैंसल होगी, इट मीनस माइनस थ्री नाल मल्टीप्लाई करना पवेगा। तो हुण इहनूं सारे नूं माइनस थ्री नाल मल्टीप्लाई करो, किन्ना बनेगा साडे कोल, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस तो माइनस प्लस हो गया, प्लस सिक्स बन गया, ठीक है जी। उस तो बाद असीं की करांगे, साइन चेंज कर लो, या कह लो असीं मल्टी माइनस कर रहे हैं, ठीक है जी। साइन चेंज हो के यह प्लस का हो गया, यह माइनस का हो गया, तो देखो यह की है प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, तो इनू एक्स स्क्वायर के ही जोड़ा घटावे असं, ये चीज़ का ध्यान रखो जी, तुम्हें स्टार्टिंग दसिया से, ठीक है जी। थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, ये तो ये कैंसल हो गया, जीरो ही बन गया, ठीक है जी। हुण यह की है माइनस सिक्स एक्स है, भाव इनू हुण अचल नूं अचल दे विच ही जोड़ना घटाना हुंदा, जिवें तुहानूं स्टार्टिंग दे विच दस्सिया सी, माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स तां किन्ना बन गया माइनस नाइन, तो प्लस सैवन एक्स भी साढ़े को एक्सट्रा बचा पे है, ठीक है जी। इस सवाल के गड़बड़ की होगी, ये थोड़े जी अगे पिछे देख रहे हैं, इन्हें टर्मा कन्फ्यूज ना होयो, ठीक है जी, कोई गल नहीं। उस तो बाद यही साढ़े को माइनस करके आ गया, तो हूँ इनू यही बनाने की कोशिश करो, किमें कोशिश करा, पहले असं इनू डिवाइड करके देख लें कि सानू किन्ने नाल मल्टीप्लाई करना पवेगा, जेकर यह मल्टीप्लाई करके नहीं बन रहा तो यदा भाव यही साढ़े को बाकी होएगा। जिमें देखो कदें भी इत एक्स की घात दो है, तो इतने एक्स की घात दो वाली टर्म है ही नहीं साढ़े को, इट मीनस यह साडा बाकी है, क्योंकि इनू देखो एक्स स्क्वायर असी कदें भी सैवन एक्स तो बना ही नहीं सकते, बना ही नहीं सकते ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, घात दो ऑलरेडी दी हुई है, तो इतने घात दो साढ़े को बची ही नहीं, यदा भाव यही साडा की है बाकी है, ठीक है जी। तो इतने असं लिख सकते हैं बाकी बराबर नाइन एक्स सॉरी माइनस नाइन प्लस सैवन एक्स, ठीक है जी। इनू तुसीं नोट भी कर सकते हो, इस तरह ये असी ने सवालों के बाकी कढ़ना है, ठीक है जी।